हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पलता किचन। पुष्पलता किचन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बॉम्बे कराची हलवा। इसको कॉर्नफ्लोर हलवा भी बोलते हैं और ये बॉम्बे का बहुत ही प्रसिद्ध हलवा है और बहुत ही अच्छा बनता है और इसमें बहुत ही कम ऑयल और ये लगता है और बहुत ही टेस्टी भी लगता है और बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए और कैसे हमने बनाया है वो पूरा मैं बताऊंगी इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर इस होली आप ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। तो सबसे पहले इसके लिए मैंने लिया है एक बाउल शुगर और एक बाउल मैंने लगभग पानी लिया है और एक नींबू का रस लिया है जो कि हमको उसके अंदर डालने के लिए चाहिए। तो उसके बाद हमने और मैंने लिया है यहाँ पे एक चम्मच घी लिया है और उसके बाद यहाँ पे मैंने ये लिया है कॉर्नफ्लोर वन बाउल और यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स लिया है। ड्राई फ्रूट्स आप अपने पसंद के अनुसार ले सकते हैं। मैंने कहा और ये मैंने ऑरेंज फूड कलर लिया है, आप कोई सा भी कलर यहाँ पे ग्रीन कोई सा भी रेड कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। मैंने ऑरेंज कलर लिया है, काजू बादाम लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने वाटर एक बाउल लिया है उसके अंदर कॉर्नफ्लोर को घोल लेंगे। घोलने के बाद हमको उसको एकदम अच्छे लम्स फ्री घोल बनाना है, रेडी करना है। फिर हम कढ़ाई रखेंगे और कढ़ाई में वो घोल डाल देंगे और हमको घी अभी नहीं डालना है, घी हमें बाद में डालना है। तो हम अभी हमने इसको डाल लिया है और हम इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे, जब तक चलाएंगे जब तक कि घोल एकदम थिक नहीं हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि घोल एकदम थिक हो गया है और इस स्टेज पे हम जो घी लिए हैं वो घी डालेंगे। घी डालने के बाद हमको अच्छे से चलाते रहना है तब तक कि जब तक कि घी अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाए और ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी ये जो है एकदम ट्रांसपेरेंट हो गया है। और उसके बाद यहाँ पे जो मैंने नींबू का रस लिया था वो डालेंगे। नींबू का रस डाल के फिर हमको इसको कंटिन्यू चलाते रहना है, क्योंकि अगर चलाएंगे नहीं तो लग सकता है, तो कंटिन्यू चलाना है। फिर जो मैंने ड्राई फ्रूट्स कट करके लिए थे वो ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे हमें ऐड की हूँ। तो ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के बाद हमको इसको कंटिन्यू हिलाते रहना है, तब तक करना है जब तक कि ये हमारे कढ़ाई को छोड़ नहीं दे। जब ये कढ़ाई छोड़ देगा फिर हमको एक जो है कांच का बाउल लेना है इस टाइप से, उसके अंदर घी लगाने के बाद हमको इस जो बैटर है उसको अच्छे से डाल देना है, डाल के सेपरेट कर ऐसे कर देना है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि इसको ऐसे ही कवर करके रख देंगे, थोड़ी देर के बाद वो जम जाएगा। जमने के बाद फिर हम इसको कट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जम गया है और अब हम इसे काट लेंगे और ये बहुत आसानी से जम जाता है और कट भी जाता है। तो आप देख सकते हैं आगे मैं काट के भी आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे रेडी हो गया हमारा ये हलवा और अब हमने इसको देखिए कैसे कट कर दिया है। तो इस तरह से हमने इसको क्या कई शेप में काटा है और ये कि ताकि देखने में भी अच्छा लगे, तो मैंने इस तरह से कट करके बनाया है। तो फ्रेंड्स, ये मैं बॉम्बे कराची हलवा आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये वीडियो मैंने पिक से बनाया है और मैंने पूरा मेथड क्लियर करके बताया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, आपको अच्छा लगते हैं तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और मिलती हूँ फिर एक नेक्स्ट रेसिपी में नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।